हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का तो एग्जाम है ही, बट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अपनी तैयारी भी कर रहे हैं और वो चाहते होंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनका एग्जाम क्लियर हो जाए, सो दैट आगे आने वाली जो वैकेंसीज हैं, चाहे केबीएस हो, एनबीएस हो, ईएमआरएस हो या फिर DSSSB, इसको आप अप्लाई कर पाए। क्योंकि इन सभी चीजों के लिए जरूरी है कि आपका सीटेट पेपर वन एंड पेपर टू पास हो। एंड अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है एग्जाम भी क्लियर करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी रहता है कि आगे आने वाली जो वैकेंसीज होगी आप उसको भी पास कर पाएंगे। तो आज जो है मैं आपको कुछ एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूं जिससे कि आप सीटेट एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबर पे पास कर पाएंगे। देखिए, अगर आप 90 के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 90 ही आ जाए कैसे भी करके, तो इस केस में क्या होता है कि हमारा एक नंबर भी अगर माइनस होता है तो हम 89 पे आ जाते हैं, और जिसकी वजह से आप दूसरी कोई अदर वैकेंसी नहीं भर पाते हैं अदर स्टेट की। तो अगर आपने ये ट्रिक फॉलो किया तो आपका एग्जाम भी पहली बार में पास होगा, प्लस 120 प्लस का स्कोर भी आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ये फॉर्म भरने की संख्या तो बहुत है, 17 लाख 18 लाख डे बाय डे जो है फॉर्म भरने की संख्या बढ़ रही है। अब 17 लाख जो ये स्टूडेंट होते हैं इनके पास पूरी मटेरियल है, इन्होंने बहुत सारे बैचेस लिए होते हैं, बहुत सारी किताबें ली होती हैं, उसके बावजूद इस 17 लाख में से केवल 1.5, 1.5 इस तरीके का नंबर होता है। अभी तक ऐसा नहीं कि कोई 5 लाख पास कर लिया है, 6 लाख नहीं, 1 से 1.5 लाख ही स्टूडेंट पास कर पाते हैं। इसका भी क्या रीजन है, क्या चीजें वो फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि मटेरियल की कोई कमी नहीं है। आप इंटरनेट पे देखिए, आपके पास मटेरियल किताबें होंगी, आपने बैचेस लिए होंगे, आपने नोट्स बनाया होगा, उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका एक बार दो बार से दे रहे हैं, उनका क्लियर नहीं हुआ है। इसका भी मैं आपको रीजन बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपने पेपर वन एंड पेपर टू इन दोनों में से देखना है कि आपका कौन सा है। अब मान लीजिए किसी का CDP पेपर वन का है, पहले से ही तैयार है, क्योंकि आप डीलेट वगैरह करते हो तो उसमें तैयार होता है। तो सबसे पहले इसमें आप देखना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट, क्योंकि अभी आपके पास 2 महीने हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, उस पर आपको काम करना है। जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैथ्स से डर लगता है, ठीक है, उनको लगता है कि मैथ्स में उनके नंबर नहीं आएंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। अगर आपका कैलकुलेशन डे बाय डे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ जिनके अच्छे होंगे ऑब्वियसली बात है उन्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपका मैथ नहीं सही है तो आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी, क्योंकि आप इसे पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। आपके जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें मैथ्स तो आना ही है। तो आप इसमें देखिएगा कि आपका CDP, लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू, EBS, मैथ साइंस, सोशल साइंस, इसमें से कौन सा सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है एंड कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। ठीक है, क्योंकि देखिए हम हर साल तैयारी करते हैं फिर भी नहीं हो पा रहा, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम खुद के अपने जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं उसका एनालिसिस भी नहीं करते हैं। हम ये देखते ही नहीं है कि हमारा कहाँ पे नंबर जो है बढ़ रहा है, कहाँ पर कम हो रहा है, अपनी गलतियों पे किस तरीके से काम करना है। तो ये सबसे पहला ही रीजन है कि आपको एनालिसिस करना है। जब भी आप PYQs कर रहे हो आपको एनालिसिस तो जरूर करना है। इससे आपको मतलब 2-3 फायदे होते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी, किस टॉपिक्स में आप जो है गलत कर रहे हैं आप उसको इम्प्रूव करेंगे। दूसरा कि आपका मान लीजिए CDP में अच्छा खासा आ रहा है, 30 आ रहा है, 29 आ रहा है, 28 आ रहा है, तो फिर अभी आप इसको पढ़ना बंद कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट है। अब जैसे कि CDP है, लैंग्वेज वन है, लैंग्वेज टू है, ये पेपर वन एंड पेपर टू दोनों में कॉमन है, तो इसके अलग से तैयारी नहीं करनी है। अब ऐसा नहीं है कि CDP आप पेपर टू के लिए भी अलग से पढ़ें, पेपर वन के लिए भी अलग से पढ़ें। अगर आप ये 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपने दोनों पेपर की तैयारी कर ली है। दूसरा है आपका मैथ्स। तो अगर आप पेपर वन की मैथ्स, मैंने अभी आपको बताया पेपर वन वाला जो मैथ्स होता है ना वो काफी ईजी है, उसमें कुछ है ही नहीं, मतलब कैलकुलेशन के नाम पे सिर्फ इन्होंने वही सारी चीजें लिखी होती हैं, उसने इतने सामान खरीदे हैं तो कितना पैसा देना होगा, इवन इसके पैडागॉजी बेस्ड होते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस। तो अगर आप मैथ्स में स्कोर करना चाहते हो तो ओनली आप PYQs भी कर लोगे तो भी हो जाएगा। दूसरा है इसका EVS। अब EVS में क्या है कि फैक्चुअल बेस्ड भी क्वेश्चन आता है एंड आपका जो पैडागॉजी है वो भी आता है। पैडागॉजी को सॉल्व करने की ट्रिक सिंपल सी यही है कि जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आप उसमें देखना कि स्टूडेंट से ही रिलेटेड होता है, तो हर एक फैक्टर आपका स्टूडेंट्स के फेवर में होना चाहिए, उसके नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये दिमाग में रखा है कि आप एक टीचर हैं और आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो आपकी पैडागॉजी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली चीजें जो होती हैं वो स्टूडेंट से ही रिलेटेड होता है। आपको किस तरीके से पढ़ाना है, अगर कोई टॉपिक है तो आप उसको किस किस वे में पढ़ा सकते हो, यही सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो पैडागॉजी भी आपका सॉल्व होगा PYQ से, बट ये वाला जो पोर्शन है आपका जो EVS है इसके लिए आपको 1-5 की किताबें पढ़नी होगी, क्योंकि देखिए सीटेट में आपका आपको पता ही है कि हाफ आपकी NCERT से आती है, हाफ आपका पैडागॉजी से आता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको NCERT तो पढ़नी ही पढ़नी है,
अब जैसे आप पेपर वन के लिए जा रहे हैं तो पेपर वन के लिए आपको 1 to 5 की एनसीईआरटी पढ़नी है, पेपर टू के लिए जा रहे हैं तो आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। अब पेडागॉजी को अलग से करने के लिए, क्योंकि 75 नंबर का पेडागॉजी आता है, तो इसके लिए आपको केवल पीवाईक्यूज ही करना है। अभी मैं आपको ये सारी चीजें समझा रही हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो आपने ये सीडीपी लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू तैयार किया, आपके दोनों पोर्शन के तैयार हो गए, आपने ईवीएस के लिए 1 to 5 की एनसीईआरटी पढ़ ली, आपने मैथ साइंस के लिए सोशल साइंस के लिए 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़ ली, अब आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट, ठीक है। अब जो सबसे मेन है वो यही है कि आपने प्रीवियसर क्वेश्चन कितने किए हैं। डेली मैसेज आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि पिछली बार उनका नहीं हो पाया था, क्लियर नहीं हो पाया था। तो जब मैं उनसे पूछती हूँ कि पीवाईक्यूज कितने किए, तो कोई बोलता है 10, कोई बोलता है 5, और वो भी कब, एग्जाम के पास। तो ये गलती नहीं करनी है। देखिए, पूरी थ्योरी पढ़ लिया उससे ये नहीं, ये कंफर्म नहीं हो जाता है कि आप एग्जाम में अच्छा ही जो है परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो करने का ही फायदा है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होती है, बट वो पीवाईक्यूज को मल्टीपल टाइम किए होते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उनकी स्पीड बढ़ती है, टाइम मैनेज कर पाते हैं, प्लस इस पीवाईक्यू से वो पैसेज को भी सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि पैसेज आपका 30 नंबर है जो कि फ्री का है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही यही ट्रिक है कि आज से अभी से आपको पीवाईक्यूज करने हैं, डेली करने हैं। 150 क्वेश्चंस है, आप इसको अगर हर दिन करते हो तो 2.5 घंटे का समय मिलेगा, तो आप इसको 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। 2 घंटे में, अगर आप 2 घंटे में कर रहे हो, इट मीन्स कि आप एग्जाम में 10 से 15 मिनट पहले ही कर लोगे और आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखो, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं एनसीईआरटी पढ़ते हैं, मल्टीपल जो है उनके पास बैचेस होते हैं, मल्टीपल बुक्स होती है, उसके बावजूद भी नहीं क्लियर हो पाता है, क्योंकि वो बस पढ़ते ही रहते हैं, उन्होंने प्रीवियस क्वेश्चंस उतने किए नहीं होते हैं, तो वो पैटर्न समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। ये आपका कोई वन लाइनर एग्जाम नहीं है कि आपने रटा है और डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है और ऑप्शंस लिखे हैं, डायरेक्ट आप कर पा रहे हो, नहीं। ये आपको पीवाईक्यूज इसलिए करना है क्योंकि ये पैडागॉजी बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। आप देखिएगा, ये जो बेसिकली मैं आपको सोशल साइंस ही पढ़ाती हूँ डेली 6 बजे, आप देखिएगा जो सोशल साइंस के पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं ना, वो सारे पैडागॉजी बेस्ड होते हैं। तो वहां पर आपको फायदा तभी होगा जब आपने पीवाईक्यूज किया होगा, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी को पढ़ने का भी एक तरीका है, क्योंकि बहुत सारे लोग बुक से बस पढ़ते ही जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चंस कभी पूछता ही नहीं है। अभी आपका एक ज्योग्राफी में जो तीसरा चैप्टर है क्लासिक्स का, ये 4 मैप, इसमें से कभी उतने क्वेश्चन आते नहीं है। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था, वो भी इस बार, की प्लेट्यू का कलर क्या होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं, जैसे कि नोट्स वगैरह में भी मैंने कुछ चैप्टर्स में बहुत ही ज्यादा कंटेंट दिया है, कुछ चैप्टर्स में बहुत कम कंटेंट दिया है। वो आपका डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस कितनी बार किस टॉपिक से पूछा हुआ है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि एनसीईआरटी का जो नोट्स बनाना है वो किस तरीके से बनाना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप नोट्स भी ले सकते हो, वहां पर केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, सोशल साइंस का। अब मैथ साइंस के लिए भी सेम वही चीज करनी है, दोनों के लिए ही मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो, पैसेज जो है वो फ्री का नंबर देता है 30 नंबर, और बहुत सारे लोगों को पैसेज सॉल्व करने नहीं आता है, वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं की होती है। तो अगर आप डेली एक पैसेज करते हो, हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत का, जो भी आपका लैंग्वेज है, तो उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड वो बढ़ेगी, प्लस कम समय में आप पैसेज कर लेंगे। पैसेज करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ने हैं, क्वेश्चंस पढ़ोगे आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी कि पैसेज में क्या पूछा है। एक बार आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं तो आप जब भी पैसेज करोगे तो डायरेक्ट आपको आपका आंसर मिलते जाएगा और आपका आंसर भी निकलेगा। तो ये तरीका फॉलो करना है। मान लीजिए पैसेज लिखा हुआ है, कोई भी स्टोरी है, आपने एक बार पैसेज पढ़ा, उसके बाद से आप क्वेश्चंस पे आए, फिर आप भूल गए, दोबारा से आप पैसेज पढ़ोगे, तो इस चक्कर में 2 से 3 बार पैसेज पढ़ना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट है कि पहले क्वेश्चंस पढ़ो, फिर उसके बाद से पैसेज सॉल्व करो। यहां से आपका 30 नंबर सिक्योर हो जाएगा। अगर आप पेपर वन पेपर टू दोनों का कर रहे हैं तो दोनों का ही पैसेज करना है। सीडीपी लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू में कोई ग्रामर नहीं आता है, तो इसलिए ग्रामर पे फोकस मत करना, आपको सिंपल पैडागोजी एंड पैसेज ये करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही मैंने इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोला है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होती, ये रियलिटी है। वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10 साल का कम से कम एक एक क्वेश्चंस पेपर वो 3 से 4 बार करते हैं, 3 से 4 बार। अब आप 150 क्वेश्चंस हर दिन कर रहे हो तो उसमें आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट तैयार हो रहा है,
आपका सीडीपी भी तैयार हो रहा है, आपका लैंग्वेज वन भी लैंग्वेज टू भी, स्टार्टिंग में क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। दूसरा वो क्या करते हैं कि अगर उनको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो उसको तुरंत अपने कॉपी में नोट करते हैं, तो इस तरीके से उनके पास मल्टीपल क्वेश्चंस आंसर तैयार हो जाता है जो कि एग्जाम से पहले रिवाइज करते हैं। ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ आपको सेम फॉलो करना है। पीवाईक्यू से क्या हुआ, आपकी स्पीड बढ़ी, आपका टाइम मैनेज हुआ, आपका एनालिसिस वो आपको पता चला, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा आपका स्ट्रांग है, ये आपको पता चला है। तो अगर आप पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो, आपने थोड़ी ही एनसीईआरटी पढ़ी है, बट अगर आप पीवाईक्यूज हर दिन कर रहे हो, एक पीवाईक्यूज को आप 5 times कर रहे हो, 3 times कर रहे हो, 4 times कर रहे हो, तो आपका 100% सीटेड क्लियर होगा। बट अगर आपने पीवाईक्यूज नहीं किया, केवल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं एंड लास्ट टाइम पे आप 2 से 3 ही पीवाईक्यूज कर रहे हो और उसके बाद आप मैराथन देख रहे हैं, बस लॉन्ग वीडियोस देख रहे हैं, तो उससे काम नहीं बनेगा। ठीक है, ये रियलिटी है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एनसीईआरटी पढ़े भी नहीं होते हैं बट वो प्रीवियस क्वेश्चंस करते हैं तो भी उनका क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि उसके लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, इसमें मैथ साइंस में, सोशल साइंस में, और आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि एजम्पशन रीजन के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएगा आपका, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आएगा, और जो एजम्पशंस रीजन के क्वेश्चंस होते हैं ना उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो काफी डिफिकल्ट होते हैं, इनके लैंग्वेज काफी डिफिकल्ट होते हैं, तो उसके लिए आपको ओनली पीवाईक्यूज करने हैं। ठीक है, केवल आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करना है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हो तो आपको मॉक टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट के लिए पूछते रहते हैं, कोई मॉक टेस्ट नहीं करना है। एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है तो अब आप प्रीवियस क्वेश्चंस हर दिन करो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। तो सिंपल सा एक ही फंडा है, एक ही ट्रिक है कि आपको हर हाल में प्रीवियस क्वेश्चंस करना है, क्योंकि पूरी चीजें पढ़ने के बावजूद भी अगर आप क्वेश्चंस ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो आपका पेपर कैसे क्लियर होगा। ठीक है, और स्पीड बहुत जरूरी है कि आपको 2 घंटे में हर हाल में अपने पेपर को कंप्लीट करना है। ठीक है, अच्छा यहां पर आपने एक चीज और देखी होगी, जब आप प्रीवियस क्वेश्चंस करते हैं तो आपको खुद से पता चलता है कि अच्छा ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, अच्छा ये टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, तो वहां से आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, फिर आपको किसी टीचर की भी जरूरत नहीं होगी, फिर आप सेल्फ स्टडी से ही पूरा क्लियर कर लोगे, आपका सेल्फ स्टडी से ही जो आपका रूटीन बना होगा आप उसको मैनेज भी कर पाएंगे। इवन आपको ये भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें और क्या क्या करें कि आपका पेपर पास हो। तो यही सिर्फ एक सिंपल सी चीज है, प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है, सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, या फिर आपके पास जो भी चीजें हो, जो भी मटीरियल हो, आप वहीं से करें। वैसे मैंने सोशल साइंस के कुछ 274 7 साल का पीवाईक्यूज दिया हुआ है, अगर आपको लेना होगा तो आप नोट्स के साथ आप ले सकते हैं, उसी के साथ कंबाइंड। ठीक है, तो बस यहाँ पर एक चीज बताने की कोशिश की गई है कि जो सब्जेक्ट अभी आपका वीक है आप उस पर काम करें और हर हाल में एक रूटीन बनाएं कि आपको एक पीवाईक्यूज करने ही करने हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।